नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईआईटी जेम 2011 में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमने यहाँ पर बोर्ड पे लिख रखा है, क्वेश्चन है लाइट डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन, हमें जो लाइट है उसकी जो इक्वेशन है वो दी हुई है इक्वल्स टू 19 वोल्ट पर मीटर साइन 6.28 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स टी प्लस साइन 12.56 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स टी इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। तो जो हमारे आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इक्वेशन दे रखी है, और जो हमारा मेटल पर जो इंसिडेंट हो रही है लाइट उसकी जो मेटल है, जो मेटल का वर्क फंक्शन है वो 2.0 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया हुआ है। तो अब ये पूछ रहा है कि जो मेटल से इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो आप हमें बता दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हैंडल करने से पहले आपको दो डॉट पॉइंट बताता हूँ। देखिए जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकला है, देखिए ये कोई इंसिडेंट रेस थी लाइट थी, ये यहाँ से जो हमारी मेटल सरफेस पर उस पर इंसिडेंट हुई, यहाँ तो यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। तो इलेक्ट्रॉन निकले तो इस जो मेटल है हमारी उसका कोई वर्क फंक्शन होगा और इस इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकला उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकला वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ना कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। अब देखिए जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, केवल ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी 2π(ν)। ये हमारी फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यदि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी मतलब अधिक होने का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। अब देखिए और जो हमारी इलेक्ट्रॉन है, हमारी जो इंटेंसिटी है यदि आप ज़्यादा रखोगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो हमारी इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहे हैं जो हमारे मेटल सरफेस है उस पर जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है उसकी वो जल्दी जल्दी होगी, और जो हमारी जो फोटो करंट है वो ज़्यादा मिलेगी हमें। लेकिन जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट जो फोटोन जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन देखिए जो हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो क्या होती है, h(ν) माइनस उस मेटल जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन, लेकिन हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी नहीं दी हुई है। अब देखिए यह है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन इक्वल्स टू इनोड, यहाँ पर इनोड मैग्नीट्यूड साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दिया हुआ। तो देखिए पहले इस ओमेगा फर्स्ट है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, फर्स्ट वो है 6.28 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स, ओमेगा 2 है 12.56 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। अब देखिए हमें यहाँ पर पूछ रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो। फ्रिक्वेंसी का मतलब जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ओमेगा इक्वल्स टू 2π(ν)। यदि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमें मैक्सिमम बतानी, इसका मतलब जो हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है उससे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो ओमेगा 2 हमारे पास है 12.10 टू द पावर 15 सेकेंड। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी,
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच ओमेगा अपॉन टू पाई, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई, न्यू न्यू इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन टू पाई माइनस उस मेटल का वर्क फंक्शन। तो हमें एच की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड इंटू जो हमारी फ्रिक्वेंसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम वो कितनी है 12.56 इंटू 10^15 सेकेंड इनवर्स और डिवाइड क्या होगा 6.2 इंटू 3.14 तो 6.28 इंटू हम जो हमारी वर्क फंक्शन दिया हो वो हमें इलेक्ट्रोवोल्ट में दिया हो तो हम इस यूनिट को भी इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करना चाहते हैं। जब इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करेंगे आपके पास कोई भी क्वांटिटी उसको इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करना चाहते हो तो आप उसको 1.6 इंटू 10^-19 से डिवाइड कर दो वो इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और जो हमारा वर्क फंक्शन है वो हमें दिया गया 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये भी इलेक्ट्रोवोल्ट में ये भी इलेक्ट्रोवोल्ट में हमारी जो यूनिट है वो सेम होगी। अब देखिए ये यहाँ से सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे -34, 15, 90, 34 ये हो जाएगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ये इलेक्ट्रोवोल्ट में आ गई। अब देखिए इसको सोल्व करना है 6.6 इंटू 12.56 तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 82.89 अपॉन 6.28। आप जब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो देखिए कितना आ गया 6.6 इंटू 12.56 यह था 82.896 और यह था 6.28 इंटू 1.6 यह था 10.048। तो आप इसको डिवाइड करोगे 82.896 डिवाइड बाई 10.048 तो यह था आपके पास अप्रोक्सीमेट 8.25 - 2 इलेक्ट्रोवोल्ट तो ये आएगा 6.25 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन निकला था मेटल सरफेस से उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि किस तरह हम यदि हमें फ्रिक्वेंसी ने देखी यदि एंगुलर फ्रिक्वेंसी दी हुई हो तो हम जो काइनेटिक एनर्जी उसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।